नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं, 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। मैं हूं अनंत सर। मां काली पर पोस्टर का विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ कि एक और बखेड़ा शुरू हो गया है, और यह नया विवाद भी उसी फिल्म मेकर की वजह से शुरू हुआ है जिसकी फिल्म के पोस्टर ने कनाडा से कोलकाता तक हंगामा मचा दिया। भावनाएं भड़काने वाली इसी जिद पर हमारे आज के 7 सवाल केंद्रित हैं। हमारा पहला सवाल अब आपके सामने आ रहा है, और हमारा पहला सवाल है, क्या जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रही हैं मणि मेकलाई? दरअसल हुआ यह है कि फिल्म मेकर लीना मणि मेकलाई ने एक नई पोस्ट की है। इस पोस्ट का कॉन्टेंट भी विवादों में आ गया है। इस पोस्ट में शिव और पार्वती की वेशभूषा धरे कलाकारों को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। दक्षिण भारतीय फिल्ममेकर लीना मणिमेकलाई की डॉक्यूमेंट्री काली के पोस्टर पर अभी विवाद थमा भी नहीं था कि आज लीना ने अपने ट्विटर हैंडल से एक और विवादित पोस्ट ट्वीट कर दिया। इस बार उन्होंने शिव और पार्वती की वेशभूषा पहने कलाकारों को धूम्रपान करते दिखाने वाली तस्वीर पोस्ट की। लीना के इस तस्वीर की भी आलोचना हो रही है। माना जा रहा था कि लीना काली के पोस्टर पर विवाद बढ़ने की वजह से माफी मांग सकती है, लेकिन माफी मांगने की बजाय उन्होंने खुद को विवादों में बनाए रखना ज्यादा पसंद किया और दूसरी विवादित तस्वीर भी पोस्ट कर दी। मणिमेकलाई अपनी फिल्मों और पोस्टरों के लिए पहले भी विवादित रही है, और अब मणिमेकलाई के इस पोस्ट का भी कई जगहों पर विरोध हो रहा है। आज भोपाल के काली मंदिर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मणिमेकलाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। आज मैं मध्य प्रदेश सरकार को धन्यवाद देता हूं कि एक आवेदन आया, उनने सोमोटो उस आवेदन पर सख्त कार्रवाई करते हुए टीएमसी सांसद महुआ के खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज की है, और जो फिल्म निर्माता है, निर्देशक है, उनके खिलाफ भी रतलाम में हमने एक प्रकरण पंजीबद्ध किया है। और मध्य प्रदेश की धरती पर इस तरह की बदतमीजी और मां काली का अपमान करने वाली फिल्म हम देखने नहीं देंगे। मणिमेकलाई के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में एफआईआर हो चुकी है। दिल्ली, यूपी, एमपी और बिहार में मणिमेकलाई के अलावा डॉक्यूमेंट्री के प्रोड्यूसर और एडिटर पर भी मुकदमे हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी मणिमेकलाई लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने से बाज नहीं आ रही। ऐसे में मणिमेकलाई पर सख्त कार्रवाई की मांग जोर पकड़ रही है। हम मध्य प्रदेश सरकार की ओर से केंद्र को पत्र लिखने जा रहे हैं कि एक एलओसी जारी करें, वो लुकआउट सर्कुलर होता है, ये लीना मणिमेकलाई जी के खिलाफ, क्योंकि अब वो जो कर रही हैं वो जानबूझ के कर रही हैं ऐसा प्रतीत होता है, तो इन दोष पर तत्काल कार्रवाई हो। इसके लिए हमने केस रजिस्टर तो कर ही दिया था, पर केंद्र को भी आज हम एलओसी के लिए लिख रहे हैं। मणिमेकलाई अपने पोस्ट पर हो रही आपत्तियों और विरोधों को अपनी कलात्मक आजादी पर चोट मान रही है। मणिमेकलाई ने आज विवादित पोस्ट करने के बाद ट्वीट किया कि ये ट्रोल मेरी कलात्मक आजादी के पीछे है, और अगर मैंने दक्षिण पंथी नासमझों की भीड़ के आगे अपनी आजादी से समझौता किया तो ये सबकी आजादी से समझौता होगा, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगी चाहे जो भी हो जाए। मणिमेकलाई अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का डंका तो जोर शोर से बजा रही, लेकिन वो इसी आजादी के नाम पर एक धर्म में आस्था रखने वाले करोड़ों लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा रही हैं, और वो भी बेझिझक। धर्म में आस्था रखना या न रखना ये किसी व्यक्ति की अपनी पसंद नापसंद हो सकती है, लेकिन आजादी के नाम पर किसी की आस्था का अपमान करना या मजाक उड़ाना कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मणिमेकलाई की करतूतें माहौल को बिगाड़ रही हैं। उनके खिलाफ लगातार कानूनी कार्रवाई की मांग हो रही है, लेकिन मणिमेकलाई भारत में नहीं है। इसी पर हमारा दूसरा सवाल है, और हमारा सवाल अब आपके सामने है, कैसे हो सकती है मणिमेकलाई पर कानूनी कार्रवाई? मणिमेकलाई के खिलाफ हिंदुस्तान में कई जगह केस दर्ज हो चुके हैं, लेकिन वो कानूनी शिकंजे से दूर हैं। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र को एलओसी जारी करने के लिए चिट्ठी लिखी है। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता रवीश। फिल्म की डायरेक्टर मणिमेकलाई के खिलाफ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इसके अलावा रतलाम में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप में उन पर एफआईआर हुई है, लेकिन सवाल ये है कि क्या मणिमेकलाई की गिरफ्तारी भी होगी? दरअसल
ये जो धारा लगी है 295A धार्मिक भावनाओं को भड़काने की, कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक देखें तो क्योंकि FIR कई जगहों पर हुई है तो मणि मेकलाई के पास एक विकल्प रहेगा कि वो सभी FIR को एक जगह कोर्ट के पास जाकर के सेंट्रलाइज कराने की अपील कर सकती हैं। इसके अलावा यदि ऐसा नहीं होता है तो आमतौर पर देखा यह गया है कि इस तरीके के मामले जब किसी पर दर्ज होते हैं तो वो किसी एक शहर नहीं बल्कि कई राज्यों में होते हैं, कई शहरों में होते हैं, अलग अलग थानों में ये मुकदमे दर्ज होते हैं। ऐसे में कानूनी सहायता लेकर के मणि मेकलाई गिरफ्तारी से भी बच सकती हैं। इस तरीके के मुकदमों में मामलों में अक्सर ये देखा गया है कि जो आरोपी होता है कई बार उसकी गिरफ्तारी कई लंबे समय तक नहीं हो पाती है क्योंकि इस तरीके के मामले राजनीति से प्रेरित भी कई जगहों पर। काली के पोस्टर का विवाद दो चेहरों पर केंद्रित हो गया है, एक तरफ मणि मेकलाई हैं तो दूसरी तरफ टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा। हमारा तीसरा सवाल इसी पर है और हमारा सवाल अब आपके सामने है। सवाल है, काली पर महुआ के बयान से टीएमसी का किनारा क्यों? महुआ के बयान ने बीजेपी को बैठे बिठाए सियासी मुद्दा थमा दिया है लेकिन टीएमसी महुआ के बयान से किनारा कर चुकी है। दरअसल बंगाल में काली मां को घर घर पूजा जाता है, ऐसे में महुआ के साथ खड़ा होने से सियासी नुकसान की आशंका है। काली को लेकर बंगाल में बखेड़ा खड़ा हो गया है। ममता बनर्जी की भरोसेमंद सांसद रही महुआ मोइत्रा दीदी को खटकने लगे हैं। महुआ और ममता में दूरी की वजह है महुआ का वो बयान जो उन्होंने कोलकाता के एक कार्यक्रम में दिया था। काली टू मी इज अ मीट ईटिंग यू नो अल्कोहल एक्सेप्टिंग गॉडेस, टू मी दैट इज अ वर्जन ऑफ काली। एंड इफ यू गो टू तारापीठ एंड अराउंड तारापीठ एंड अराउंड ऑल ऑफ देम यू हैव ऑल द साधु स्मोकिंग ऑल ऑफ दैट, दैट इज द वर्जन ऑफ काली दैट पीपल वर्शिप। महुआ के इस बयान पर बंगाल में बवाल शुरू हो गए। बीजेपी महुआ के खिलाफ सड़कों पर उतर आई और दिलीप घोष से लेकर शुभेंदु अधिकारी जैसे बड़े बीजेपी नेता ने महुआ और ममता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी ममता को नुपुर के खिलाफ दिए गए उनके बयान की याद दिलाने लगी। छोड़ने वाला नहीं है, बंगाल में बार बार हिंदू देव देवी के ऊपर घटिया शब्द, ममता बनर्जी खुद जय श्री राम को गाली बताई, महादेव जी की शिवलिंग को क्या अपमान हुआ, ये लास्ट है काली माता का अपमान। नेक्स्ट टाइम किसको बोलने का हम लोग मौका नहीं दूंगा। माँ काली पर टिप्पणी कर फंसी महुआ को खुद उनकी पार्टी ने भी इस मामले में सहारा देने से इनकार कर दिया। बंगाल की सियासत में कहीं पार्टी को नुकसान न हो जाए इसको देखते हुए पार्टी ने महुआ के बयान से किनारा कर लिया। महुआ मित्रों जो बताई है वो भी हमारे तृणमूल कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं करता। पार्टी के साथ छोड़ देने की वजह से जंग में महुआ अकेली पड़ गई है लेकिन महुआ के बहाने ममता के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली बीजेपी को तृणमूल ने उसी अंदाज में जवाब देना शुरू कर दिया है। टीएमसी बीजेपी नेता दिलीप घोष के ममता पर दिए गए बयान पर आपत्ति जता रही है। दिलीप घोष के खिलाफ बंगाल में अलग अलग जगहों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। ये दोखलेपन क्यों है, केवल राजनीति के लिए? आप बोलते मैं बंगलार में, तो ठीक है बंगलार में, गोवा जाके बोलते हम गोवार में, माँ बाप का कोई ठिकाना नहीं है, कुछ भी बोल देंगे हम कहीं जाकर के, क्या मतलब होता है इसका? दिलीप घोष हैज इंसल्टेड दीदी, दे आर कॉलिंग ममता बनर्जी बाय सच हीनियस नेम्स, इट्स सच अ क्राइम, आई वुड से शी इज द डॉटर ऑफ इंडिया। हालांकि इस विवाद के बाद भी दिलीप घोष अपने बयान को वापस लेने के लिए तैयार नहीं। मुझे समझ सिखा रही है जो गवर्नर के बारे में कितना कितना क्या क्या गलत शब्द बोलते हैं, माननीय प्रधानमंत्री के बारे में, माननीय गृहमंत्री के बारे में क्या क्या शब्द प्रयोग किया, ममता बनर्जी जो बोलते हैं हम वही बोला, हम गलत कुछ नहीं बोला है, वो रिकॉर्ड में है, वो वीडियो हम सबको दे देंगे। बंगाल की सियासत में काली के बयान से उठा तूफान अब व्यक्तिगत आरोपों प्रत्यारोपों तक पहुंच चुका है, ऐसे में फिलहाल ये मामला थमता नजर नहीं आ रहा। सूर्याग्नि रॉय के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता, गुड न्यूज टुडे।
बीजेपी महुआ के बयान पर टीएमसी और पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी को घेर रही है, तो टीएमसी ने भी पलटवार के लिए बीजेपी नेता दिलीप घोष के बयान को हथियार बना लिया है। हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और सवाल है, दिलीप घोष के बयान को मुद्दा बनाना टीएमसी के लिए कितना कारगर होगा? दिलीप घोष के ममता पर दिए एक बयान को लेकर टीएमसी दिलीप पर हमलावर है। सियासी जानकार इसे टीएमसी का बीजेपी पर पलटवार मान रहे हैं। इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रो के काली पर दिए बयान से तृणमूल कांग्रेस इस वक्त बुरी फंसी हुई है। बीजेपी ने भी बेहद आक्रामक तेवर अपना के रखे हैं। ऐसे में दिलीप घोष के बयान को हथियार बनाकर महुआ मोइत्रो का जो पेच फंसा हुआ है उसको निकालने की कोशिश में इस वक्त तृणमूल कांग्रेस दिख रही है। दिलीप घोष के खिलाफ शिकायत की जा रही है, थाने में गवर्नर से मुलाकात की जा रही है, तो इस इश्यू को बड़ा किया जा रहा है और सोच इसके पीछे यही है कि जो ये जो महुआ मित्रों वाला मामला इस वक्त बेहद बड़ा होकर दिख रहा है उसको किसी तरह से डाइवर्ट किया जाए। वैसे खींचतान केवल कोलकाता में ही नहीं चल रही, मोर्चा अजमेर में भी खुला हुआ है और यह मोर्चाबंदी की वजह है अजमेर का एक खादिम। हमारा पांचवा सवाल इसी पर है और हमारा सवाल अब आपके सामने है। सवाल है, गिरफ्तारी के बाद भी खादिम बेखौफ कैसे? जी हां, जब पुलिस ने नुपुर का सिर काटने की धमकी देने वाले खादिम सलमान चिश्ती को गिरफ्तार किया था तो वो पुलिस हिरासत में मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट का राज एक वीडियो ने खोल दिया। इस वीडियो में पुलिस वाले खादिम को बचने के टिप्स दे रहे हैं। जिस सीओ ने टिप्स दिए अब उसे हटा दिया गया है। ये मुस्कुराहट तब है जब ये पुलिस कस्टडी में है। ये अजमेर दरगाह का वही खादिम सलमान चिश्ती है जिसके जहरीले बोल पुलिस को उस तक खींच लाए। दो पुलिस वालों के बीच पुलिस वैन में बैठा है लेकिन उसकी मुस्कुराहट को देखकर ऐसा लगता नहीं कि उसे किसी बात का कोई अफसोस है या फिर कानून का कोई खौफ है। गिरफ्तारी के वक्त जब अच्छे अच्छों को कानून का डर सताने लगता है वहाँ सलमान चिश्ती हाथ हिलाकर मुस्कुराकर अंगूठा दिखाकर सबका अभिवादन कर रहा है मानो देश का कानून उसके लिए अंगूठे पर है। इससे पहले गिरफ्तारी के बाद कल जब थाने की तस्वीर आई थी तो वहां भी नुपुर शर्मा की हत्या की धमकी देने वाला आरोपी सलमान चिश्ती बेशर्मी से मुस्कुरा रहा था। गिरफ्तारी पर सलमान भले हंस रहा हो लेकिन नुपुर की हत्या के लिए उकसाने वाला वीडियो बनाते वक्त उसकी आंखों में नफरत के आंसू थे। मेरे को कसम है मेरे बुजुर्ग जलाल की जिसने पैदा किया है मेरी उस माँ की, मैं उसे सरेआम मेरे बच्चों की कसम था। और आज भी कुछ भी नहीं है, सीधा ठोक के कहता हूँ जो नुपुर शर्मा हु विल एवर लाइक, मैं अपना उसे ये घर दे दूंगा, पूरा रोस्टर भी निकल जाऊंगा। पुलिस के गिरफ्त में बैठे सलमान चिश्ती को देखकर लगता नहीं है कि इसे भड़काऊ बातें करने का कोई अफसोस है लेकिन इस बीच एक और वीडियो सामने आया है जिसमें इसकी मुस्कुराहट का राज कुछ हद तक समझा जा सकता है। यहां गिरफ्तारी से पहले ही अजमेर पुलिस सलमान चिश्ती को बचने के टिप्स दे रही है, नशे की हालत में हत्या के लिए उकसाने वाले बयान से बचने के शॉर्टकट बता रही है। इस वीडियो के सामने आने के बाद से अब पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या अजमेर पुलिस खादिम को बचाने की कोशिश कर रही है और ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि खादिम की गिरफ्तारी से पहले से ही पुलिस ये कह रही थी कि खादिम नशे में दिख रहा है। नुपुर शर्मा के संबंध में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उसी के संबंध में ये वीडियो वायरल हुआ यूट्यूब पे और उसी के माध्यम से हम तक पहुंचे। नशे की हालत में बनाया गया था, अभी भी कोई नशे में है? जैसा वीडियो में प्रतीत हो रहा है वो इनेबिलिटेड स्टेट में थे, डेफिनेटली कुछ नशा उन्होंने किया था ऐसा प्रतीत हो रहा है। बाकी अनुसंधान का विषय है, उसको समझ आएगा। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद अजमेर पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई कर दी है। अजमेर दरगाह के सीओ संदीप सारस्वत को लाइन हाजिर कर दिया गया है। चंद्रशेखर शर्मा, अजमेर, गुड न्यूज टुडे।
उधर अमरावती हत्याकांड की भी परतें लगातार खुल रही हैं, नए नए ट्विस्ट सामने आ रहे हैं, नए नए कनेक्शन उजागर हो रहे हैं और हमारा छठा सवाल इसी पर है। सवाल है, अमरावती के आरोपियों का क्या है पीएफआई कनेक्शन? ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि पुलिस ने अमरावती के पीएफआई के स्थानीय सचिव को हिरासत में ले लिया है। अमरावती के उमेश कोल्हे हत्याकांड में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, अहम खुलासे हो रहे हैं। नया खुलासा इस हत्याकांड में पीएफआई कनेक्शन को लेकर है। पहली बार आरोपियों के तार पीएफआई से जुड़े होने के संकेत मिले हैं। ये पहली बार ऐसा होगा कि उमेश कोल्हे मर्डर मामले में पीएफआई की एंट्री हुई है। अभी तक जितने भी लोग गिरफ्तार हुए थे, सिर्फ इरफान शेख एक शख्स था जिसके तार जो हैं एक एनजीओ से जुड़े हुए थे, उसका खुद का एक एनजीओ था, लेकिन पीएफआई का नाम इसके पहले नहीं हुआ था। ऐसा पहली बार हुआ है कि पीएफआई की उमेश कोल्हे मामले में एंट्री हुई है। उमेश कोल्हे की हत्या के आरोपियों से एनआईए सच उगलवाने में लगी हुई है। इस बीच एनआईए ने अमरावती में पीएफआई के जिला अध्यक्ष सुहेल नदवी के घर पर छापा मारा। छापेमारी के बाद नदवी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। माना जा रहा है कि आरोपियों से पूछताछ के दौरान एनआईए को अहम सुराग मिले हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। ये जो घर है ये है सुहेल नदवी का, अमरावती के पीएफआई के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बताए जा रहे हैं और इस वक्त सुहेल से लगातार एनआईए पूछताछ कर रही है। इतनी जानकारी हमें मिली है एनआईए सूत्रों से कि उमेश कोल्हे मर्डर मामले में उससे पूछताछ हो रही है, लेकिन क्या उसका इरफान शेख जो कि उमेश कोल्हे मर्डर केस का मास्टरमाइंड है उससे कोई लेना देना है या फिर इसके अलावा किसी और शख्स से उसका लेना देना है, इसके बारे में हालांकि कोई आधिकारिक बयान एनआईए का नहीं आया हुआ है। दूसरी ओर अब ये जांच चल रही है कि मुख्य आरोपी के एनजीओ के फंडे कहीं पाकिस्तान से तो नहीं हो रही थी। मास्टरमाइंड इरफान और सुहेल नदवी के आपस में कनेक्शन की तफ्तीश की जा रही है, लेकिन इस हत्याकांड के शुरुआती जांच में अमरावती पुलिस को रहबर फाउंडेशन चलाने वाले मुख्य आरोपी इरफान के बैंक खातों से कुछ सुराग जरूर मिले थे। ये एनजीओ कहीं पाकिस्तान से फंडिंग आता है, ऐसी कुछ जानकारी सामने आई? देखिए, हमारे पास क्योंकि वो काफी लेट अरेस्ट हुआ और कुछ हमने बैंक अकाउंट्स उस डिटेल्स उसके लिए, पर कुछ अभी हमें नहीं मिल पाए। अब केस एनआईए को ट्रांसफर हो गया है तो शायद वो बेहतर एनआईए बताए। केस में एनआईए की एंट्री के बाद अमरावती पुलिस ने जांच से जुड़े सभी अहम दस्तावेज एनआईए को सौंप दिए हैं और अब एनआईए उन सबूतों का बारीकी से विश्लेषण कर रही है। लेकिन पीएफआई के सुहेल नदवी और रहबर फाउंडेशन चलाने वाले मुख्य आरोपी इरफान शेख का क्या कनेक्शन है, इसका खुलासा होना अभी बाकी है। हालांकि जांच एजेंसियां इस मामले में किसी भी सुराग को हल्के में नहीं ले रही हैं और सभी एंगल से हत्या की तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। पंकज खेलकर और मुनीश पांडे, अमरावती, गुड न्यूज टुडे। नफरत का खूनी खेल उदयपुर में भी खेला गया था। उदयपुर के कन्हैया हत्याकांड का पूरा सच सामने आना अभी बाकी है। हमारा सातवां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। सवाल है, कहां तक पहुंची उदयपुर हत्याकांड की जांच? कन्हैया हत्याकांड में शामिल रियाज और गौस का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें वो हत्या के बाद पेट्रोल पंप पर दिखाई दे रहा है। इस बीच एक और आरोपी पकड़ा गया है, इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता शरद कुमार। उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड में रोज साजिश का कोई नया सिरा खुलता ही जा रहा है। अब सीसीटीवी का जो फुटेज सामने आया है उसमें जब रियाज और गौस कपड़ा बदलने जाते हैं तो फिर कोई तीसरा आता है जो 600 रुपए का पेट्रोल भराता है, तो फिर तीसरा वहां पर कौन था और कैसे मौजूद था, कौन था जो रास्ता बता रहा था कि वहां पर पेट्रोल पंप पर कोई मिलेगा पेट्रोल भरवाने वाला? क्या कोई स्लीपर सेल एक्टिव है जो इस पूरे मामले में रियाज और गौस को आदेश दे रहा था? कौन है इन दोनों का हैंडलर? इस पूरे मामले में अब तक 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और सातों के सातों कन्हैयालाल के हत्याकांड की साजिश में शामिल थे। एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है और कहा जा रहा है कि जल्दी ही बड़ी साजिश का खुलासा होने जा रहा है। जयपुर से जीएनटी के लिए शरद कुमार। कार्यक्रम में आज इतना ही।